चलो लास्ट क्लास में क्या टॉपिक चल रहा था? तो चलो क्या लास्ट क्लास में क्या टॉपिक चल रहा था? ओके एक मिनट रुक हो गया हो गया हो गया। चलो इसको नोट डाउन करो तो। ए स्क्रीन से बाहर चला गया क्या स्लाइड? एक मिनट रुको यार। ओके ठीक है चलो इसको लिखो। नहीं इसमें क्या है इसको लिखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नीचे वाला मैं लिख देता हूँ ऊपर तरफ से।
लिख लिए। लिख के बताना जल्दी से। ठीक है देखो, देखो डेफिनेशन क्या था कि मान लो आपके पास कोई एटम है और वो एटम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। तो आइसोलेटेड एटम में आपके पास मान लो कोई एक एटम है, ठीक है, तो यहां पे आपका न्यूक्लियस है और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे ये न्यूक्लियस कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से फ्री करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी कंज्यूम होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। समझ में आया बच्चे लोग? जैसे नीचे में आप एग्जांपल लिखा हो तो वो मैं आपको बताता हूं। अगर सपोज यहां पे ऐसा लिखा हुआ एम सॉलिड, एम सॉलिड इलेक्ट्रॉन एम लिक्विड टू एम लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन और एम गैस टू एम प्लस इलेक्ट्रॉन तो कोई बोलेगा इसमें से कौन है आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोसेस? बोलो इसमें कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोसेस है, वन टू और थ्री? थ्री, देखो पहले वाला सॉलिड लिक्विड है तो सॉलिड लिक्विड के केस में एनर्जी ज्यादा लगता है। मान लो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट ई वन है और यहाँ पे ई टू है और यहाँ पे ई थ्री है, तो ई वन सबसे ज्यादा होगा, फिर ई टू होगा, फिर ई थ्री होगा, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में डिफाइन किया गया है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो डेफिनेशन समझ में आया बच्चे लोग?
अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि सपोज अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हमें प्रोवाइड करना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम डायरेक्टली एनर्जी के फॉर्म में भी दे सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहां पे ये कोई एटम है, और यहां पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम डायरेक्टली एनर्जी देके भी निकाल सकते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को हम एक पोटेंशियल का लालच देके भी निकाल सकते हैं। कि मान लो हमने एक ऐसा पोटेंशियल अप्लाई किया, उस पोटेंशियल से मान लो यहां पे हमने एक्स वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया, और इस एक्स वोल्ट से भी ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल के आ गया, तो बोलेंगे हम उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे। यहां पे मैंने यही पॉइंट लिखा है, कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस टू बी अप्लाइड टू प्रोवाइड आयोनाइजेशन एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दो। जैसे अगर आयोनाइजेशन एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, 5 वोल्ट है। सो यहां पे आप ऐसे बोल सकते थे, आयोनाइजेशन एनर्जी अगर x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है देन ये कितना हो जाएगा, x वोल्ट हो जाएगा। बच्चा लोग समझ में आया आयोनाइजेशन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट? देखो इसको मैं तुम्हें अलग से समझाता हूं। ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये अभी रेस्ट पे है, और इस इलेक्ट्रॉन पे हम 5 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो बताओ तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट में या लेफ्ट में? राइट में। और कितने एनर्जी से मूव करेगा, कितने एनर्जी से, 5 वोल्ट तो पोटेंशियल है, एनर्जी पूछ रहा हूं। देखो कोई भी क्यू चार्ज हो, अगर यहां पे मैं ऐसा करता हूं, इलेक्ट्रॉन हटा देता हूं, यहां पे मैं एक क्यू चार्ज रखता हूं, तो किसी भी क्यू चार्ज पे, बस ये क्यू चार्ज जो है वो नेगेटिव है, तो किसी भी क्यू चार्ज पे अगर वी अप्लाइड पोटेंशियल हो तो उसका एनर्जी क्या हो जाता है, क्यू वी, इतना एनर्जी उसको मिलता है। अगर क्यू मैग्नीट्यूड के चार्ज को V वोल्ट के पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो QV चार्ज मिलेगा। एनर्जी ऐसा बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू इन टू वी, वी क्यू इज चार्ज, V इज अप्लाइड पोटेंशियल। तो यहां पे अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E और पोटेंशियल है V, तो क्या चार्ज मिलेगा हमें, EV। समझ में आया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई और अप्लाइड पोटेंशियल वी है, तो अगर किसी ने 5 वोल्ट अप्लाई किया तो कितना एनर्जी मिलेगा, 5 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यहां पे अगर कोई 10 वोल्ट अप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। और अगर किसी ने सपोज पोलैरिटी अपोजिट कर दिया, ये प्लस और ये माइनस, तो फिर वो किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन अप्लाइड पोटेंशियल आप इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हो। तो मेरा लॉजिक क्या था कि अगर सपोज किसी का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना एनर्जी लगेगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी के यूनिट में हो गया। अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल के हेल्प से बाहर निकालता हूं तो जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो ये 10 वोल्ट क्या हो गया,
आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया और ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। समझ में आया? तो जरा नोट डाउन कर लो ये। हो गया? ओके एक बार इसको नोट डाउन कर लो। हो गया? अब देखो इसका मतलब क्या है। देखो दो फैक्टर है,
यहां पे जेड वन ही चार्ज है, यहां पे जेड वन ही चार्ज है और यहां पे जेड टू ही चार्ज है। यहां पे आर वन डिस्टेंस है, यहां पे आर टू डिस्टेंस है और यहां पे भी आर टू डिस्टेंस, वन टू थ्री। अब बताओ अगर वन और टू में मैं कंपेयर करता हूं, साथ में फैक्टर ये है कि आर वन जो है वो आर टू से ज्यादा है और जेड टू जो है वो जेड वन से ज्यादा है, तो बताओ आर वन अगर मैं वन और टू में बोलूं, अगर मैं बोलता हूं यहाँ एफ वन फोर्स लगता है, यहाँ पे एफ टू फोर्स लगता है और यहाँ पे एफ थ्री फोर्स लगता है, तो एफ वन और एफ टू में कौन ज्यादा होगा? ये F1 है, ये F2 है, बताओ। F1 और F2 में तो देखो जहां पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है इन दोनों में तो Z1 चार्ज ही है, यहां भी Z1 है और यहां भी Z1 है, बट यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो R1 जो है वो ज्यादा है R2 से, तो डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा, तो F2 विल बी ग्रेटर देन F1। बच्चा लोग समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस पे चार्ज बराबर है बट डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ये बताओ न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा कब होगा? जब n का वैल्यू कम होगा, n का वैल्यू ज्यादा होगा। ये आर का वैल्यू कम कब होगा? जब एन लो होगा, एन हाई होगा। लो होगा, अरे ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा ना, फॉर्मूला भूल गया? 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड था फॉर्मूला रेडियस का, तो एन इंक्रीज होगा तो रेडियस इंक्रीज होगा, तो मुझे आर कम करना है मतलब एन का वैल्यू क्या कम करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो n का वैल्यू अगर लो होगा, अगर n लो होगा तो फोर्स ज्यादा होगा और फोर्स ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ये समझ में आया बच्चा लोग पॉइंट? अब अगर कोई टू और थ्री में कंपेयर कर रहा है तो दोनों देखो यहां पे जेड वन चार्ज, यहां पे जेड टू चार्ज, यहां पे डिस्टेंस आर टू और आर टू, अब एन का वैल्यू कांस्टेंट हो गया। अब जिसके लिए न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा होगा तो जेड टू ग्रेटर देन जेड वन है, मतलब यहां पे जेड टू चार्ज है और यहां पे जेड वन चार्ज है, तो जेड टू वाले में ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो ये दो फैक्टर हैं जिस पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। क्लियर है? तो यहां पे F2 और F3 में F3 ज्यादा है, हो गया सबका? लिख लिया? अब देखो तीसरा फैक्टर एक और भी होता है, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उतना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा, बिकॉज अगर स्टेबल है तो वहां से निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बिकॉज वो निकलना नहीं चाहता वहां से। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फिग्रेशन। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिस पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। तो ये रहा उसका वेरिएशन, जरा लिख लो उसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। हो गया, तो लेफ्ट टू राइट एन के जगह पे आर लिखा हुआ है। आर डिक्रीज होता है, साइज हम पढ़ चुके हैं ट्रेंड। तो जेड स्टार इंक्रीज हो रहा है, आर डिक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। ग्रुप में जेड स्टार कांस्टेंट हो जाएगा, आर इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो इसमें देखते हैं अब एक्सेप्शन। अब देखो यहां पे सेकेंड पीरियड एलिमेंट है जो होना चाहिए था लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। पीरियोडिक टेबल में ये एक्सेप्शन हर चीज में आएगा और यही एक्सेप्शन एग्जाम में आता है। नॉर्मल ट्रेंड बहुत कम होता है, बीच में एक एक्सेप्शन डाल के आपसे एक्सेप्शन पूछेगा। तो देखो होना क्या चाहिए था, पहले लिथियम, उसके बाद होना चाहिए था कौन, बेरिलियम, लेकिन कौन है, बोरोन है, मतलब यहां पे एक्सेप्शन आया। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे एक्सेप्शन आया, देख लो है ना, ऑक्सीजन पीछे है, नाइट्रोजन आगे है। तो ये हो गया ग्रुप टू बेरिलियम वाला और ये हो गया ग्रुप 13। तो ग्रुप टू और ग्रुप 13 में हमेशा आगे पीछे चलेगा। ये है ग्रुप 15 और ये है ग्रुप 16, तो ग्रुप 15 हमेशा ग्रुप 16 से आगे मिलेगा। अब इसका रीजन क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम वाले फैमिली का ये ग्राफ मत बनाना, बस देखने के लिए बनाया, मैं बोला वो सुनो। बेरिलियम वाले फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 और बोरोन वाले कॉन्फ़िगरेशन का होता है NH2NP1। तो ये आपका क्या हो गया, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और ये पार्शियली फील्ड हो गया। वैसे नाइट्रोजन वाला फैमिली में NH2NP3 मिलता है और ऑक्सीजन फैमिली में NH2NP4 मिलता है।
तो एन एस टू एन पी थ्री, एन एस टू एन पी फोर, तो ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड, और ये आपका हो गया पार्शियली फिल्ड। तो ये वाला एक्सेप्शन याद रखना, ग्रुप टू का ग्रुप 13 से ज्यादा है, ग्रुप 15 का ग्रुप 16 से ज्यादा। ये जो लिखा हुआ है ब्लू से और रेड से, इन दो को लिख लेना और इनको लिख लेना, बाकी ट्रेंड तो आपने लिखा ही है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बेरिलियम बोरोन, सल्फर फास्फोरस, मैग्नीशियम एल्युमिनियम वाला, ये बहुत ही कॉमन है। जेडब्ल्यूई मेन लेवल पे भी आपको चाहिए होगा और नीट में भी चाहिए होगा। लिख लिया बच्चे लोग? ठीक है, ये जरा नोट डाउन कर लो, फैक्ट है। बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार लिख लो। हो गया,
हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक की बात कर रहा है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत स्लो चेंज होता है और कोई पीरियोडिसिटी भी कॉमन नहीं है, रैंडम टाइप है। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब 3D सीरीज की बात कर रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम। उसके बाद आता है मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकल, तो ये इन तीनों का ऑलमोस्ट सेम रह जाता है। और उसके बाद आता है कॉपर और जिंक, तो इनके लिए फिर वैल्यू इंक्रीज होता है बिकॉज कॉपर में मिलता है 4s1 3d10 और जिंक में मिलता है 4s2 3d10, तो इन सब में फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन है, तो फुलफिल्ड s एंड d ऑर्बिटल, इसलिए इनका ज्यादा मिलता है। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल Mn सबसे मैक्सिमम है, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सबसे मैक्सिमम पे है। अब मैग्नीज मैक्सिमम पे क्यों है, तो यहाँ पे मिलता है 4s2 3d5, तो ये फुल फील्ड है और ये हाफ फील्ड है, तो ये लिखा हुआ है फुल फील्ड एस और हाफ फील्ड ऑर्बिटल डी में मिलता है, तो इसलिए ये मैक्सिमम है। बाकी अगर कोई इनर ट्रांजिशन एलिमेंट से कंपेयर करता है डी को, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज जो हो गया वो डी से ज्यादा होता है, इसलिए डी ब्लॉक से उनका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है, और उनके लिए ऑलमोस्ट आयनाइजेशन एनर्जी कांस्टेंट जैसा होता है, मतलब 58 से लेकर 71 और 90 से लेकर 103 ऑलमोस्ट आपको सेम वैल्यू मिलता है। रीजन है ड्यू टू सिमिलर साइज, साइज ऑलमोस्ट उनका एक ही जैसा रह जाता है। तो फैक्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट है, पहले समझ लो उसके बाद लिखना है इसको। अब देखो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि मान लो आपके पास एक ए एटम है और उसे आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहां पे क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी 1 लगा। अब कोई इस ए प्लस से भी A प्लस से भी कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, A टू प्लस बना रहा है और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आया, तो क्या बोलेंगे, यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी 2 है। यहां पे A टू प्लस से इलेक्ट्रॉन निकाला, A थ्री प्लस बना और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या आया, 3 आया। तो सक्सेसिव बोलने का मतलब क्या है, जब एक ही एटम से आप बार बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो बार बार आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फैक्ट क्या है कि IE1 जो होगा वो हमेशा IE2 से कम होगा फॉर द सेम एलिमेंट, और ये किसना होगा, हमेशा IE3 से कम होगा, मतलब सक्सेसिव वैल्यू जो होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी
ऑलवेज इंक्रीजेस, तो आई वन से ज्यादा आई टू, आई टू से ज्यादा आई थ्री, इस तरह से एनर्जी वैल्यू बढ़ता है। तो यही इस स्लाइड में लिखा हुआ है, आप यहां से लिखना, देखो क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इनटू मोनोपॉजिटिव कैटायन इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट, ये मतलब आपका हो गया कौन सा, आयनाइजेशन एनर्जी वन, उसी को पोटेंशियल के टर्म्स में लिखा है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए मोनोपॉजिटिव कैटायन, मतलब ऑलरेडी वो मोनोपॉजिटिव कैटायन है, टू ए डाई पॉजिटिव कैटायन, मतलब यहां से लेके यहां तक, इसमें कौन सा आया, आईपी टू, और इससे भी निकालो तो क्या बोलेंगे, आईपी थ्री, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल थ्री। सो इन जनरल सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस बिकॉज ईच सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन इज बींग पुल्ड अवे फ्रॉम एन इंक्रीजिंगली मोर पॉजिटिव आयन। अब इसका मतलब क्या, वो देखो ये न्यूट्रल था, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इस न्यूट्रल और इसके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा ज्यादा, लेकिन जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये पॉजिटिव है और इसके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। वैसे जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इनके बीच में भी क्या लगेगा, एक अट्रैक्शन लगेगा। तो धीरे धीरे ये अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो रहा है, आप इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फिर निकलने के बाद वो एटम से अट्रैक्ट हो रहा है, तो जितना ज्यादा ये अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हाइयर वैल्यू क्या मिलेगा हमें, ज्यादा मिलेगा। बच्चा लोग समझ में आया? इस पर लिखो, एनर्जी सप्लाई करने का सिंपल तरीका है, आप हीट करो या लाइट वहां पे फॉल कराओ, लाइट आएगा मतलब फोटोन आएगा, या किसी चीज को आप कंबसन करो उससे भी निकलता है। तो जनरल तरीका यही है, हीटिंग के थ्रू या लाइट के थ्रू या कंबसन के थ्रू आप एनर्जी सप्लाई करते हो। ओके, चलो को इसके पहले एक पॉइंट देख लो, उसके बाद करना। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इतना पता है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, बट उसका वैल्यू हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मान लो मेरे पास मैग्नीशियम है, तो मैंने मैग्नीशियम से Mg+ बनाया,
mg प्लस से मैंने mg2 प्लस बनाया और मैं mg प्लस से mg3 प्लस बनाता हूं, तो यहां पे आ गया IE1, यहां पे आ गया IE2 और यहां पे क्या आ गया IE3। हमें इतना पता है कि IE1 जो होगा वो IE2 से कम होगा और IE2 जो है वो IE3 से कम होगा, ठीक है। बट इनका वैल्यू किस तरह का होगा वो देखो, मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू लिख रहा हूं। मान लो ये 600 है, ठीक है, तो ये 1800 होगा, तो ये एक ही बार क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का डाटा मिलेगा। इस डाटा देख के क्या मिल समझ में आ रहा है कि वैल्यू तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जंप कहां पे हुआ, सबसे ज्यादा जंप कहां पे हुआ, वन से टू में, टू से थ्री में, टू से थ्री में, बिल्कुल सही। तो टू से थ्री में ये एक्सेस जंप होने का मतलब क्या हुआ, तो उसका रीजन है यहां पे कॉन्फ़िगरेशन था नियॉन 3S2, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन था नियॉन 3S1 और यहां पे कॉन्फ़िगरेशन किसका बचा, नियॉन का। तो जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, दो था, तो जहां पे आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया उसके बाद आपको एक बहुत लार्ज जंप देखने को मिलेगा और ये लार्ज जंप हमें ये बताता है कि अब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया है, अब आप जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वो कहां से निकल रहा है, वो निकल रहा है आपके हायर ऑर्बिट से। समझ में आया बच्चा लोग, तो जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू गिवन हो तो उसमें देखना कहां पे सबसे ज्यादा जंप है। तो मान लो टू और थ्री के बीच में जंप है, इसका मतलब सबसे पीछे वाला नंबर मतलब टू, यहां तक आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म है। तो ये डाटा देख के भी मैं बोल सकता था कि यहाँ पे दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 500, 900, 1800 और यहां पे लिखा हुआ 3500, तो बताओ यहां पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, बोलो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इसमें।
बोलो बच्चा लोग, कितना आवाज सुना में सुनाई दे रहा है मेरा? हाँ बोलो, कौन से केस में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेगा यहाँ पे? एक सोचो तो, मैं आ रहा हूं, कोई गेट दरवाजे पे आया, एक मिनट में आ रहा हूं। हेलो, बच्चा लोग रिप्लाई करो भाई, क्वेश्चन पूछा था। ये वैल्यू देके आपसे पूछा गया है कि कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या बोलेंगे? सब लोग डिस्कनेक्ट कैसे हो गए? सब लोग का नेट क्या इतना प्रॉब्लम? कितना होगा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का? बिकॉज तीसरे के बाद चौथे में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, तो एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना। वैल्यू ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, वैल्यू ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैल्यू ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी पॉइंट लिखो, वैल्यू ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चलो चला ये नोट डाउन कर लो, मैं बताता हूं। नोट डाउन कर लो, मैं एक्सप्लेन कर देता चलो लिखने के बाद बताना। अब देखो यहां पे मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब जो मेटल होता है उनका टेंडेंसी लूज करने का होता है, तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, देखो यहां पे जो मेटल्स हैं, मेटल्स का टेंडेंसी है, इट इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सो आयोनाइजेशन एनर्जी और मेटालिक कैरेक्टर, तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होगा तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और मेटालिक कैरेक्टर में इनवर्स रिलेशन है। यह पॉइंट समझ में आया? दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब उतना ज्यादा पॉजिटिव आयन बनने का टेंडेंसी ज्यादा, और पॉजिटिव आयन आप तभी बनेंगे जब आप इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो अगर ये वैल्यू लो होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, हाई होगा। अब मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, तो हायर द मेटालिक नेचर हायर द रिएक्टिविटी। अब यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो मेटालिक कैरेक्टर का इनवर्स है,
अब फोर्थ पॉइंट है रिड्यूसिंग पावर ऑफ एलिमेंट। अच्छा यहां पे पॉइंट लिख लेना, मेटालिक मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फेवर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फेवर्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हायर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, हायर द रिएक्टिविटी, दैट इज हायर द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ मेटल। हो गया यहां तक? अब देखो नीचे वाले में देखो, अगर आपके पास सक्सेसिव एनर्जी है, एक आपके पास आई वन है और एक आपके पास आई टू है, तो अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, जैसे मान लो यहां से मेटल से एम प्लस बनने में क्या लगेगा, आई वन लगेगा, और एम प्लस से एम टू प्लस बनने में आई टू लगेगा। तो अगर आई वन और आई टू का डिफरेंस, आई वन और आई टू का डिफरेंस ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब एम प्लस जो होगा वो एम टू प्लस से ज्यादा स्टेबल होगा। ये कंडीशन किसके लिए मिलेगा? सोडियम के लिए मिलेगा। अब उसका रीजन क्या है कि अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है मतलब एम प्लस पे ही क्या हो गया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया मतलब आपको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया होगा। तो अगर दो में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है मतलब पीछे वाले ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, और अगर दो का वैल्यू 16 से कम हो रहा है इसका मतलब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हुआ, अभी और आप इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो। तो अगर ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ तो आई वन मतलब प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, और अगर आई वन और आई टू में लेस देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो उसमें बोलेंगे ये वाला ज्यादा मोर स्टेबल है। तो सोडियम के लिए आई टू माइनस आई दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं,
तो सोडियम के लिए आई टू माइनस आई वन ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, और मैग्नीशियम के लिए आई टू माइनस आई वन लेस देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। ज्यादा डिफरेंस मिले मतलब प्रीवियस ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रीवियस आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, ज्यादा स्टेबल होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर कम मिले मतलब आगे वाला ज्यादा स्टेबल होगी। चलो जरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन लिखो, हो गया। अब चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे करेंगे। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 4s1 3d5, मैग्नीज होता है आर्गन 4s2 3d5, आयरन आर्गन 4s2 3d5, और कौन बचा, वेनेडियम। नहीं दिख रहा है, चलो मैं यहां लिख देता हूं। देखो सब में आर्गन तो कॉमन ही है, क्रोमियम है 4s1 3d5, मैग्नीज 4s2 3d5, आयरन 4s2 3d6, और वेनाडियम 3d3।
तो पूछा है सेकेंड आयोनाइजेशन इंथालपी, तो सेकेंड आयोनाइजेशन इंथालपी तब ज्यादा होगा जब आपके वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन से निकलेगा। तो आप यहाँ पे जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4s गायब हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन 3d5 से निकलेगा, यहाँ पे पहला और दूसरा यहीं से निकलेगा, तो सेकेंड यहां से निकल रहा है, यहाँ पे पहला दूसरा यहीं से निकलेगा, यहाँ भी पहला दूसरा यहीं से निकलेगा, तो सबसे स्टेबल कॉन्फिगरेशन कौन है सेकेंड में? क्रोमियम का, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम। हाँ बिल्कुल सही, ए आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या क्या आंसर होगा? फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथालपी ऑफ द एलिमेंट बोरोन फॉस्फोरस सल्फर एंड फ्लोरीन इज, दिख रहा है ना स्क्रीन पे? तो देखो इसको जरा अरेंज करते हैं, बोरोन के बाद कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है और इस डायरेक्शन में डिक्रीज होता है, तो इस वाले पीरियड का ज्यादा होगा इन दोनों से। सर ऑप्शन डी। सबसे ज्यादा कौन होगा? फ्लोरीन, ठीक है। मैंने क्या बोला, सेकेंड पीरियड एलिमेंट का ज्यादा होगा थर्ड पीरियड से, तो बोरोन के फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? बोरोन आएगा। अब फास्फोरस और सल्फर में कौन ज्यादा होगा? तो फास्फोरस ज्यादा होगा, अभी मैंने बताया था ग्रुप 15 का ग्रुप 16 से ज्यादा होता है, तो आंसर कौन होगा? बी होगा। सेकेंड पीरियड एलिमेंट का थर्ड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होगा। जरा जब मैंने उल्टा कर दिया, एक मिनट रुक जा। सल्फर सबसे फास्फोरस ज्यादा होगा सल्फर से, कहां कहां पे है? यहां पे है, एक मिनट रुक जा, ऑप्शन देखने दो एक बार। ये कंफर्म है कि फास्फोरस सल्फर से ज्यादा होगा और फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, तो फ्लोरीन ज्यादा कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे फास्फोरस पीछे है, मतलब ये नहीं हो सकता, यहाँ पे भी फास्फोरस सल्फर, ये भी नहीं हो सकता। नहीं, करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है, डी होगा, डी होगा। अब ये ऑप्शन में तो यही बनता है। हो गया सबका? मुझे यहाँ पे फास्फोरस ग्रेटर देन सल्फर लगा था इसलिए मैंने चूज कर लिया। चलो ये बताओ,
लिख लिया क्वेश्चन। चलो पहले का आंसर बताओ, याद रखना सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन के बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो सोचो। कार्बन में क्या मिलेगा, मैं केवल आउटर मोस्ट लिखता हूं 2p1, नाइट्रोजन में क्या मिलेगा 2p2, ऑक्सीजन में क्या मिलेगा 2p3, और फ्लोरीन में क्या मिलेगा 2p4। बोलो सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे स्टेबल कौन है। सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन है, सबसे ज्यादा कौन होगा, कौन सा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सबसे स्टेबल है, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4। ऑक्सीजन वाला 2p3, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगा, कहां कहां पे है, ए में है, बी में है और थ्री में है और फोर में भी, सब जगह ही है भाई। तो ठीक है, अब कार्बन नाइट्रोजन और फ्लोरीन में क्या ऑर्डर चलेगा, कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, लेस देन नाइट्रोजन, लेस देन फ्लोरीन और सबसे आगे तो ऑक्सीजन ही होगा, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। तो ये देख लो कहां पे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये फोर्थ ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज डी, बिल्कुल सही, यस यू आर राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल बताओ, लिथियम कहां पे मिलेगा 1s2 में, बेरिलियम कहां मिलेगा 2s1 में, बोरोन कहां मिलेगा 2s2 में और कार्बन कहां मिलेगा 2p1 में। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन है, सबसे स्टेबल कौन है, लिथियम, बिल्कुल सही। तो लिथियम कहां कहां पे स्टेबल है, 2 में और, अच्छा 2 2 ही लिखा हुआ है, चलो 1 2, इसको 3 कर लेते हैं, अब लिथियम के बाद कौन आएगा, अरे कार्बन में 2p1 है तो ये बोरोन जैसा हो गया, और ये देखो बोरोन जो है वो किसके जैसा हो गया, बेरिलियम जैसा हो गया, तो लिथियम के बाद कौन आएगा, 1s2 के बाद कौन आएगा, 2s2 आएगा,
मतलब सबसे आगे लिथियम होगा, और लिथियम के पीछे कौन होगा? बोरोन होगा, और बोरोन के पीछे फिर कौन होगा? अब 2s1 और 2p1 है, इन दोनों में अब ऑर्डर लगा सकते हो, किसके आगे कौन आएगा? कार्बन आएगा, और फिर कौन आएगा? बेरिलियम आएगा। तो बेरिलियम, कार्बन, बोरोन, लिथियम कौन सा हो गया? ऑप्शन 3, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर है। हाँ, यू आर राइट। समझ में आया? चलो ये क्वेश्चन भी कर ही लो, खत्म करो इसको। बोलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बोलो जल्दी से बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी कहां लगेगा? बोलो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां लगेगा? वन में सबसे ज्यादा लगेगा, क्यों? बिकॉज यहाँ पे चार्ज सबसे ज्यादा है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन निकालना। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। Which of the following should have less than 11 electron between the value of first and second ionization potential? बताओ। तो अगर ये less than 16 हो गया ना, तो क्या था कि अगर IE2 minus IE1 is less than 16 electron volt, तो कौन ज्यादा stable होगा, I plus 1 या plus 2? बोलो। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही। मैग्नीशियम सेकेंड वाला ज्यादा होगा, तो मैग्नीशियम के लिए प्लस 2 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल है प्लस 1 वाले से। इसका रीजन क्या होगा? ड्यू टू ए स्टेबल कॉन्फिगरेशन।
पहले वाले में नाइट्रोजन स्टेबल है, दूसरे वाले में ऑक्सीजन का स्टेबल है, और लास्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बिकॉज कॉपर जो है वो 3D सीरीज है, सिल्वर 4D सीरीज है, और गोल्ड जो है वो 5D सीरीज एलिमेंट है। तो 4D से 5D जाएंगे तो हमें लैंथेनाइड सीरीज देखने को मिलता है। हो गया, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस बार के संडे का आपका पेपर जो है वो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। बाय बाय।